मूवी का स्टार्ट आंध्र प्रदेश से होता है, जहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर PKR की मौत हो चुकी है, इसलिए आंध्र प्रदेश में सन्नाटा छाया हुआ होता है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर PKR एक बहुत अच्छे आदमी थे और वो अपने प्रदेश की हमेशा भलाई चाहते थे और लोग भी उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। एक तरफ तो ये सारी चीजें हो रही थी और दूसरी तरफ एक बात फैल रही थी, ये बात वो थी कि CM PKR के बाद अब नेक्स्ट CM कौन बनेगा। CM बनने के दावेदार में पहला नाम नारायण वर्मा का आता है, जो कि PKR की ही पार्टी का एक आदमी है और उसे पार्टी के सारे लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए उसे लगता है कि उसकी लाइफ तो अब क्लियर है और अब वो CM बन जाएगा। जिसके बाद दूसरा नाम आता है जय का, जो कि PKR का दामाद है और सत्यप्रिया का पति भी है, लेकिन जय जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं, उसके बहुत सारे कांड है और उसका ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन भी है। और अब हमें तीसरा नाम पता चलता है, तीसरा नाम किसी और का नहीं सत्यप्रिया का ही होता है। असल में सत्यप्रिया पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा दूर रहती है, उसे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। अब चौथे इंसान का नाम सामने आता है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, इसलिए सबको लग रहा होता है कि नेक्स्ट CM वही बनेगा जिसका नाम होता है ब्रह्मा तेजा। ब्रह्मा तेजा को यहाँ पर आए हुए 5 साल ही हुए हैं और वो 20 सालों से दुबई में ही रह रहा था और इलीगल धंधों की वजह से उसने काफी ज्यादा नाम कमा लिया है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लोग इसे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सत्य ऐसे पसंद नहीं करती। इसको ना पसंद करने की वजह क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। होने को तो ब्रह्मा का भी एक बहुत बड़ा ओहदा है, लेकिन वो भी पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहता। तो आगे हम देखते हैं जय और नारायण वर्मा CM बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसने जय नारायण को ड्रग माफिया के पास लेकर जाता है, इसलिए क्योंकि उन्हें फंड की बहुत ज्यादा जरूरत थी, अगर उनके पास फंड नहीं होगा तो वो CM नहीं बन पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि इस सरकार की वैलिडिटी सिर्फ 2 साल तक है, अब 2 साल के बाद क्या होगा, इन्हें 2 साल बाद फंड की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन इन्हें फंड की जरूरत अभी इसलिए है क्योंकि इन्हें बहुत सारे MLA को खरीदना है, 140 MLA को खरीदना है, बदले में होने चाहिए पैसा। इसलिए जाते हैं ड्रग माफिया के पास और उनसे एक डील करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमें बहुत सारा पैसा दो और इसके बदले जब हमारे पास वार आएगी तो आप हमारे प्रदेश में खुलेआम ड्रग का धंधा कर सकते हैं। इसके बदले ड्रग माफिया वाले मान जाते हैं और उन्हें फंड दे देते हैं। दूसरी तरफ हमें पता चलता है सत्य ब्रह्मा से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि BKR की 2 पत्नी थी, जिनमें से एक बीवी के बच्चे थे सत्य और जानवी, जो कि उसकी छोटी बहन है, और दूसरी बीवी का बच्चा था ब्रह्मा, क्योंकि ब्रह्मा की माँ मर चुकी थी इसने BKR उसे अपने घर ले आता है। लेकिन यहाँ पर BKR की पहली पत्नी ने ब्रह्मा को अंदर आने से साफ मना कर दिया था, इसी वजह से इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा और BKR ने अपनी पत्नी के एक थप्पड़ मार दिया, इसलिए यहाँ पर सत्या की माँ की एक्सीडेंटली मौत हो गई। इसलिए सत्या ब्रह्मा से नफरत करती है और वो तो उसे देखना भी पसंद नहीं करती। और यहीं पर जय को एक और बात पता चलती है, BKR को फंड कोई और नहीं ब्रह्मा ही देता था। अब बात यह आती है ब्रह्मा के पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से, तभी ये पता चलता है कि दुबई में ब्रह्मा के बहुत सारे लीगल धंधे चलते हैं और उसने उसी पावर और पैसे के बदले बहुत सारे MLAs को खरीद रखा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है नारायण वर्मा जय और ब्रह्मा को अपने पास बुलाता है। वो इन दोनों को इसलिए बुलाता है क्योंकि इसे बहुत सारे MLAs को खरीदना है। अब यहाँ पर ब्रह्मा आता है तो नारायण वर्मा उससे कहता है कि हमें MLA की जरूरत है, तो ब्रह्मा उसे साफ मना कर देता है। यहाँ पर जय ब्रह्मा को ड्रग माफिया के बारे में बता देता है और जैसे ही ब्रह्मा ये बात सुनता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है प्रदेश हमेशा साफ रहना चाहिए, क्योंकि BKR ड्रग्स के बिल्कुल खिलाफ थे। अब ब्रह्मा जय को ये धमकी भी दे देता है कि अगर कोई भी यहाँ पर आए ड्रग माफिया का तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। अब क्योंकि जय के पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो अपनी बीवी सत्या का साथ लेता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सत्या BKR की बेटी और उसकी बात कोई भी नहीं टालेगा। अब सत्या सबसे ये बात कह भी देती है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जय को CM नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जय के अंदर CM बनने की काबिलियत बिल्कुल भी नजर नहीं आती। तभी मीटिंग में ब्रह्मा की एंट्री होती है, जिसे देखकर जय का खून खौल जाता है। यहाँ पर आने के बाद ब्रह्मा सत्या को उकसाने लगता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए सत्या गुस्से में इस पार्टी की प्रेसिडेंट बन जाती है और ब्रह्मा जो चाहता था यहाँ पर वही हो जाता है। अब ब्रह्मा के पास कुछ देर बाद एक खबर आती है कि ड्रग माफिया की एंट्री वहाँ पर हो चुकी है। अब जैसे ही ये बात ब्रह्मा को पता चलती है और उस जगह का पता चलता है जहाँ पर ड्रग माफिया गए हैं, ब्रह्मा वहीं पहुँच जाता है और वहाँ पर पहुँच कर ब्रह्मा उन सबको सबक सिखा देता है। और ये बात ब्रह्मा ने पहले ही कह दी थी कि अगर उसे ड्रग माफिया के बारे में पता चला तो वो उन सबको नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही ये बात जय को पता चलती है तो वो फौरन IPS रघु को कॉल लगा देता है और IPS को सब कुछ बता देता है। और जैसे ही IPS रघु उस जगह पर पहुँचता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। अब जय गुस्से से पागल होने लगता है, ब्रह्मा उसके रास्ते का कांटा बन रहा था, ब्रह्मा हर काम में दखल दे रहा था और कोई भी काम ठीक से नहीं होने दे रहा था। अब जय एक प्लान बनाता है, एक्चुअली ब्रह्मा एक अनाथ आश्रम चलाता है, इसलिए जय ने उस अनाथ आश्रम की एक औरत को बहुत सारे पैसे दिए और उससे कहा कि हाल ही में जो तुम्हारा बेटा हुआ है उसके बारे में तुम्हें कहना
सुना होगा कि ब्रह्मा का बेटा है। ये सारी बातें वो औरत टीवी पर बता देती है, इसलिए ब्रह्मा को जेल हो जाती है। ब्रह्मा के जेल जाने के बाद जय को लगता है कि अब वो उसके रास्ते में नहीं आएगा और अब वो शायद सीएम बन जाएगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना बाकी थी, क्योंकि जब जय ने ड्रग माफिया से एक कंटेनर को प्रदेश में एंटर कराया तो वो ब्लास्ट हो गया, और ये किसी और ने नहीं मसूद भाई ने कराया था, और मसूद भाई कोई और नहीं सलमान खान है। इसके बाद हमें पता चलता है ब्रह्मा के कहने पर ही मसूद भाई ने उस ट्रक को ब्लास्ट कराया है, क्योंकि मसूद भाई और ब्रह्मा बहुत पक्के दोस्त हैं, और वक्त आने पर ब्रह्मा ने मसूद भाई को बचा कर रखा है। अब जय गुस्से से पूरी तरीके से पागल हो चुका था, क्योंकि ब्रह्मा जेल में होने के बाद भी उसके रास्ते का कांटा बना हुआ था, इसलिए उसका कोई भी काम सही नहीं हो पा रहा था। अब जय एक और प्लान बनाता है, ब्रह्मा को जेल में ही मरवाने का प्लान बनाता है, लेकिन ये प्लान भी उसका फेल हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा एक आदमी को चुन चुन कर मारता है और कपड़ों की तरह उन्हें धो डालता है। और अनाथ आश्रम वाली वो औरत जिसने झूठ बोला था वो टीवी पर सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है ब्रह्मा मेरे भाई जैसा है, जिसके बाद ब्रह्मा को जेल से आजाद कर दिया जाता है। अब ब्रह्मा जेल से छूटा है, इसका मतलब कुछ न कुछ तो बड़ा होने वाला है। जेल से आने के बाद वो पहुंचता है पार्टी में, जहां पर सत्या को प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और कुछ ही दिन बाद सत्या को अपने पति जय की असलियत के बारे में पता चल जाता है कि वो बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो तो एक बहुत गंदा आदमी है जिसने उसकी छोटी बहन को हमेशा ड्रग्स खिलाया और हमेशा उसे अब्यूज करने की कोशिश की। सत्या ने जब जय से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो जय उससे कहता है कि हमेशा तो उसका मकसद यही रहा है कि वो इस पार्टी का प्रेसिडेंट बन सके और इस देश का सीएम। और साथ ही जय ने सत्या को ये बात भी बताती थी कि पीकेआर की मौत का जिम्मेदार वही है, क्योंकि इनहेलर को उसी ने अपने पास रख लिया था और दूसरा इनहेलर उन्हें दे दिया था, जिससे उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और उनकी मौत हो गई थी। जैसे ये बात सत्या सुनती है उसका दिमाग खराब हो जाता है, अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता है, इसलिए वो अपने भाई ब्रह्मा का साथ लेती है। वो फौरन ही ब्रह्मा के पास पहुंचती है और उसे सारी असलियत बता देती है, और साथ ही उसने ब्रह्मा को आईपीएस रघु के बारे में भी बता दिया कि वो उसे अब्यूज करने की कोशिश कर रहा था और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने सबसे पहले आईपीएस रघु को उड़ा डाला। और साथ ही उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर ड्रग माफिया के लोग थे, ड्रग माफिया के काफी ज्यादा लोग थे, इसलिए उसने मसूद भाई का साथ लिया। अब यहां पर दोनों की एंट्री होती है और ये दोनों ड्रग माफिया के लोगों से लड़ना शुरू कर देते हैं। मूवी के लास्ट में ब्रह्मा और मसूद भाई बहुत सारे गैंगस्टर से लड़ते हैं और यहाँ पर हमें काफी ज्यादा खतरनाक लड़ाई दिखाई जाती है। अब यहाँ पर इनका सामना ही बहुत बड़े माफिया लूकस से होता है, और जैसे ही लूकस ब्रह्मा को देखता है तो वो अपने वेपन्स नीचे रख देता है, क्योंकि लूकस को पता होता है वो किसके सामने खड़ा है। वो जय को बताता है कि इंटरपोल इनका बहुत सालों से पीछा कर रही है और इन्हें ढूंढ रही है, और ये आदमी कोई और नहीं इब्राहिम कुरैशी होता है, जो कि माफिया के भी माफिया है, वो एक गॉडफादर है। अब मूवी की लास्ट में ब्रह्मा जय को भी मार देता है, जिसके बाद ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।